गाइस पहले आप लोग मिट्टी को ऐसे प्रिपेयर कर लेना, पूरा ग्राइंडिंग कर लेना, जैसे जो राइस वगैरह गेहूं वगैरह जैसे मिक्सर में ग्राइंडिंग करते हैं, ऐसे पूरा ग्राइंडिंग कर लेना। आप लोग एक बार मिट्टी को भी देख लीजिए, पूरा लाल वाला मिट्टी है। और आप लोग रेत वाला मिट्टी में ये जो जर्मिनेशन का प्रोसेस ना करे, क्योंकि ऐसे मिट्टी आप लोग लाल वाला मिट्टी या ब्लैक वाला मिट्टी भी आप लोग ब्लैक वाला मिट्टी में भी कर सकते हैं। थर्मोकोल का एक पूरा जो आप लोग देख रही है ऐसे जो रेक्टेंगल का एक शेप का एक पात्र ले रहा हूँ। मैंने मिट्टी प्रिपरेशन किया था, अब यहाँ पे उसको डाल दूंगा। और गाइस एक बात बोल दूं, आप लोग ऐसे पात्रों में जर्मिनेशन मत करके डायरेक्ट ऐसे जो पॉलीथीन का पैकेट आता है ना यहाँ पे भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर से उठा के उस प्लान को उठा के इस पॉलीथीन के पैकेट में ही लगाना पड़ेगा। जो ये अगरुद का सीड होता है, इसको अगर आप लोग डायरेक्ट खुले मिट्टी में जर्मिनेशन करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप लोग जो ये सीड है ना यहाँ पे थोड़ा केरासिन का ऑयल आप लोग लगा लेना। जो सीड है ना तो इसको कम खाता है, एक कोभार के बीच में रहता है ये सीड। ये देखिए ये है, ये बड़ा वाला सीड में एक सीड में दो बीज है। ओ ये तो खराब हो गया, लेकिन ये यहाँ पे देखिए यहाँ पे ओनली वन बीज है। अभी मेरे पास ये बीज अवेलेबल है ऐसा वाला, अगर आप लोगों को सही है तो मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है तो आप लोग वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं और कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो वहाँ पे भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं। और गाइस एक बात बता दूं, मैं आप लोगों के सहायता के लिए मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाना चाहता हूँ, सो आप लोग ऐड होना चाहते हैं तो मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है तो आप लोग ऐड हो सकते है। तो अगरुद का सीड है, इसका कोभार को हटाने के वक्त एक ही आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि इसका जो सीड है ये डैमेज ना हो, अच्छे से आप लोग कोभार को हटाइए। इसको मैं मिट्टी में लगाऊंगा। और गाइस एक बार आप लोगों को बता दूं, क्योंकि हर बीज को जर्मिनेशन यानी अंकुरित तो होने के लिए चार चीज जरूरी है, वो है हवा, पानी और मिट्टी और सूरज का धूप। सो इस बात को आप लोग पूरा अब लोग ध्यान रखिए कि यहाँ पे थोड़ा मैं पानी डाल दूंगा, क्योंकि ज्यादा पानी भी मत डालिए, क्योंकि थोड़ा सा सॉफ्ट करिए, ज्यादा पानी डालने से यह मिट्टी का जो पूरा टाइट हो जाएगा। टर्मिनेशन का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, एक पोर्शन है ये व्हाइट वाला पोर्शन है, ऊपर में बाउंड है और ये ज्यादा डार्क ब्राउन है। तो गाइस अब लोग कैसे लगाए, मिट्टी में कैसे डाले, ये बीज का इस पोर्शन को आप लोग मिट्टी में ऐसे डालिए, व्हाइट वाला जो पोर्शन है ना ये व्हाइट वाला पोर्शन इसको मिट्टी में मत डालिए, ये जो ये ब्लैक वाला पोर्शन है इसको मिट्टी में डालिए, ऐसे मिट्टी में डालिए। और गाइस आप लोग इस अगरुद का सीड को डायरेक्ट वो मैंने जो दिखाया था थर्मोकोल का वहाँ पे ना लगा के डायरेक्ट ऐसे जो पॉलीथीन का पैकेट आता है ना वहाँ पे आप लोग डायरेक्ट ऐसे बीज को ऐसे लगा देना। तो अभी आप लोगों को दोबारा से फिर से लगाना नहीं पड़ेगा, ऐसे लगा देना और थोड़ा डिस्टेंस रखिए, क्योंकि प्लेन को फिर उठाकर आप लोग पॉलीथीन के पैकेट में डालना पड़ेगा। इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा नहीं थोड़ा सा मिट्टी डाल देना और गाइस थोड़ा पानी भी डाल देना। इसका अपडेट में डे बाय डे आप लोगों को मैं देता रहूंगा। और पत्तों को ऐसी जगह रखिए जहाँ जो किट्टी वगैरह इसको डैमेज ना कर पाए और उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा ना पड़े और थोड़ा भी ना पड़े, ऐसे जगह रखिए और हवा भी अच्छे से आई और रोज आप लोग पानी दीजिए। 7 डे हो गया, तो गाइस देखिए यहाँ पे देखिए जो ये देखिए इस पे इस बीज को जर्मिनेशन करने में 28 डेज लगा, जो अगरुद का ऐसा सीड था, लेकिन आप देखिए जर्मिनेशन होने के बाद ऐसा हो गया, पूरा प्लांट हो गया, छोटा वाला प्लांट हो गया, पौधा हो गया। लेकिन बीज ऐसा होता है अगरुद का, ऐसे बीज से ही ऐसे जर्मिनेशन करने के बाद ऐसा हो जाता है। जर्मिनेशन होने के बाद अब लोग ऐसे प्लान को यहाँ से उठा लेना, क्योंकि ध्यान रखे कि इसका रूट ना टूटे। और उसके बाद अब लोग ऐसे जो पॉलीबैग है ना वहाँ पे अब लोग माटी डाल के, ये देखिए पूरा लाल वाला मिट्टी है, और पूरा पानी से भिगा के उसके बाद एक लकड़ी के मदद से थोड़ा होल करके और प्लान को ऐसे यहाँ पे आप डाल के, तो जो साइड का मिट्टी है ना ऐसे पूरा कर देना।
तो ये भी हो जाएगा। और आप लोग ऐसे डायरेक्ट लगाने से क्या होता है इसका, क्योंकि यह सॉफ्ट होता है ना, सो पूरा इसके लिए प्रॉब्लम है। तो आप लोग ऐसे अपने नर्सरी में रखिए, मिनिमम आप लोग 8 महीने के बाद इसको डायरेक्ट मिट्टी में लगा सकते हैं।